हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगपांगी एजुकेशन हब में। आज है 19 जनवरी 2021। 19 जनवरी 2021 को मैं जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इस वीडियो में डाल रहा हूं, वो सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के बेहतरीन सवालों से। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1757, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। प्लासी का जो पहला युद्ध है वो 23 जून, प्लासी का पहला युद्ध जो है 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस लड़ाई में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाबों की सेना थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर के अधीन मीर बख्शी क्या देखता था? अकबर के अधीन जो मीर बख्शी है वो सैन्य मामले देखता था, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें किस धर्म की है? त्रिपिटक की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो बौद्ध धर्म की है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीपू सुल्तान और किसके बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कार्नवालिस, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। 18 मार्च 1772 को श्री रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कार्निवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को सिद्धांत रूप में किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1853, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से राजा ने विजयनगर साम्राज्य के गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो है महानायकाचार्य, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुकटाम लीला किस भाषा में है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है तेलुगु, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते के तहत सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों को संगठित किया जिन्हें एक्सिस पावर्स द्वारा कैदियों के रूप में बंदी बनाया हुआ था? उन्हें आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया, वो है जापान, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगलौर की संधि किस किस के बीच हुई थी? मंगलौर की जो संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करिकला की जीत को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है? करिकला की जीत को किस में सबसे अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है पट्टिना पल्लाई, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।